डीमन स्लेयर की मांगा मादर तो डीमन स्लेयर के एनिमे उसके फाइनल शोडाउन आर्क में पहुंच चुकी है और सारे के सारे डीमन स्लेयर के मेंबर जाके भिड़ने वाले हैं डायरेक्ट मुजान द डैडी से। यस डैडी। तो मैंने सोचा कि सही टाइम है कि हाशिराज को रैंक कराया जाए और देखा जाए कि कौन कितना पावरफुल है। तो इस वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले कि कौन हाशिरा कितना स्ट्रॉन्गेस्ट है और यही हम जज करेंगे उनके फीट्स और उनकी पावर के बेसिस पे। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो नंबर 9 और वीकेस्ट स्पॉट ऑफ दिस लिस्ट पे मैं रखना चाहूंगा शिनोबू कोचो को। नाउ मैं इनको सबसे नीचे इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि ये यूज करती है इंसेक्ट ब्रीथिंग और वो ब्रीथिंग अपने आप में कुछ ज्यादा पावरफुल है नहीं। ये ब्रीथिंग मोस्टली रिलाई करती है यूजर की फ्लेक्सिबिलिटी और स्पीड पे। और उसके भी अलावा सीरीज में काफी बार स्टेट करा गया कि कोचो इज द वीकेस्ट हाशिरा अमंग ऑल। नाउ इनके फीट्स और इनकी पावर को देखा जाए तो हम देख चुके हैं कि शिनोबू को डीमंस का हेड कट करने में बहुत ज्यादा इशू होता है, इसीलिए वो अपने ब्लेड में पॉइजन इंजेक्ट करती है ताकि वो बिना सर काटे डीमंस को मार सके। तो इससे हमें ऑलरेडी पता चल जाता है कि फिजिकली वो बहुत ज्यादा ही वीक है और उसके भी ऊपर से हमने उसके कुछ खास फीट्स देखे नहीं है। इन्फिनिटी कासल आर्क में भी उनकी जब डोमा से फाइट हुई थी तो वहां हम देख सकते हैं कि डोमा वॉज नॉट वेरी सीरियस एंड उनको वो सीरियसली ले ही नहीं रहा था। वो इनोसुके कोचो और जो भी थी वो तीसरी वाली बंदी उनके साथ सिर्फ मजाक कर रहा था और खेल रहा था और वो हरा भी सिर्फ डोमा को इसीलिए पाए क्योंकि वो अपने आप को सैक्रिफाइस कर देती है उसको खिला के। तो इन सब फीट्स को अगर देखे तो कोचो मेरे को नहीं लगता कि इससे ऊपर रैंक कर सकती है। वेल दिस इज माय पर्सनल ओपिनियन, आप लोग मुझे अपनी लिस्ट भी कमेंट में बता देना जो भी आप चाहो जैसा भी आप चाहो जिसको ऊपर रखना चाहो। तो इसी के साथ बढ़ते हैं नंबर 8 पे। तो नंबर 8 पे मैं रखना चाहूंगा हमारे दिलों की धड़कन ख्वाबों की रानी मित्सुरी जी को। देख 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 देख। अब मैं नंबर 8 पे इनको इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि हमने इनको फाइट करते हुए देखा है अपर मून 4 से। और जब ये फाइट कर रही थी तो तुमने इन्हीं के मुंह से सुना होगा कि शी वाज सेइंग कि शी इज स्ट्रगलिंग एंड शी कांट कीप अप एनीमोर। और ऑब्वियसली इफ यू कांट कीप अप एनीमोर तो आप डेफिनेटली उसको हरा तो सकते ही नहीं थे विदाउट तांजिरो की हेल्प के। और उसके भी ऊपर से जब ऊपर के बैटल्स आते हैं इन्फिनिटी कासल में जब वो मुजान से लड़ रही होती है शी इज इन अ सपोर्टिंग रोल और वो ज्यादा कुछ कॉन्ट्रीब्यूट भी नहीं करती और स्पॉइलर अलर्ट वो टपक भी जाती है अपने माशूका की बाहों में। वेल इन सब फीट्स को अगर देखें तो हमें पता चलता है कि मित्सुरी इज स्ट्रॉन्ग बट नॉट दैट मच स्ट्रॉन्ग। शी कैन होल्ड सम ओपोनेंट्स बट शी कैन नॉट फिनिश द अपर मून डीमंस। तो अब आते हैं तेंगेन उजुई द निंजा। नाउ बहुत लोग बोलते हैं कि मित्सुरी तेंगेन से स्ट्रॉन्ग है बट मैं इससे डिसएग्री करता हूँ। इसका पॉइंट मैं ये देना चाहूंगा कि ऑल्दो मित्सुरी इज प्रीटी स्ट्रॉन्ग बट हमने कभी तेंगेन की फुल पोटेंशियल देखी ही नहीं। अनलाइक मित्सुरी एंड बाकी अदर हाशिराज तेंगेन ने अभी तक अपना मार्क अनलॉक नहीं किया है एंड उसके भी ऊपर से तेंगेन को क्रिटिसिज्म मिलता है कि वो अपर मून 6 से भी फाइट करने में स्ट्रगल कर रहा था बट एक्चुअली में ऐसा नहीं है क्योंकि तुम अगर ध्यान से मांगा पढ़ो या फिर एनीमे भी देखो तो उसमें मुजान एंड बाकी डीमंस क्लियरली स्टेट करते हैं कि अगर दाकी ग्यूतारो को होल्ड बैक नहीं कर रही होती तो ग्यूतारो हैव बीन मच मोर स्ट्रॉन्गर डीमन। तो अगर हम इस फैक्ट को लेके चलें कि मुजान ने ये खुद बोला है कि ग्यूतारो ज्यादा स्ट्रॉन्ग था सिर्फ दाकी की वजह से पीछे रह रहा था तो हम अप्रोक्सीमेटली जज कर सकते हैं कि ग्यूतारो एटलीस्ट अपर मून 4 तो होगा। और अब हम इस नजरिए से देखें कि तेंगेन उजुई ने अपर मून 4 को बहुत हद तक होल्ड बैक कर लिया था और वो हार भी नहीं मान रहा था लास्ट मोमेंट तक जैसे कि मित्सुरी ने बोला था अपनी फाइट में कि वो नहीं कर सकती इससे ज्यादा। तो इसी बेसिस पे और एक अनसर्टिनिटी पे कि वो मार्क पे कितना स्ट्रांग होगा मैं तेंगेन उजुई को मित्सुरी से ऊपर पुश करना चाहता हूं क्योंकि ऑब्वियसली अगर वो ग्यूतारो से फाइट कर पा रहा है इस स्टेट में भी तो मार्क में वो ऑब्वियसली मित्सुरी से स्ट्रांग होगा। Now we move on to Gyu Tomio का। मुझे पता है ये हम सबके फेवरेट हाशिरा और सबसे पहले इंट्रोड्यूस हुए थे तो इनसे अपना थोड़ा पर्सनल कनेक्शन है बट पावर वाइज मैं इनको ज्यादा ऊपर नहीं रख सकता हूँ क्योंकि सबसे पहले तो बात कर लेते हैं इनकी पावर्स पे। ये इस्तेमाल करते हैं वाटर ब्रीथिंग और इन्होंने वाटर ब्रीथिंग में अपनी एक 11th फॉर्म भी बना रखी है जो कि बहुत ही अमेजिंग है भाई। बंदा ऐसे साइड से निकल जाता है और नो वन इवन रियलाइजेस कि वो मर चुके हैं। तो वाटर ब्रीथिंग के साथ साथ अब हम इनकी फीट्स पे बात करते हैं। तो फीट्स हमने इनकी देखी है मोस्टली आकाजा वाली फाइट में। नाउ आकाजा इज अ प्रीटी स्ट्रॉन्ग डीमन पर हम देख सकते हैं कि इवन तो वहां पे तांजिरो भी होता है तब भी घी और तांजिरो दोनों स्ट्रगल कर रहे होते हैं आकाजा को मारने के लिए। स्पॉइलर अलर्ट, आकाजा तो एक्चुअली में मरा भी नहीं था उन दोनों से, वो तो आकाजा की खुद की थोड़ी सी ऐसे सेल्फ रियलाइजेशन हो गया था तो उसने बोला कि आई विल नॉट रीजनरेट एंड डाई हियर पीसफुली। तो अगर आकाजा चाहता तो इन दोनों को अच्छे से खत्म कर सकता था। और इसके भी ऊपर से हम देखते हैं कि आकाजा वाली फाइट में मोस्टली तांजिरो ही लड़ रहा है, ग्यू सिर्फ तांजिरो को सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं और तांजिरो उस मोमेंट पे एक बहुत क्रेजी चीज भी अनलॉक कर लेता है तब भी ये लोग स्ट्रगल करते हैं। तो आप जान सकते हो कि ग्यू ऑल्दो प्रीटी स्ट्रांग है बट बाकी ऊपर आने वाले जो हाशिरा आई थिंक दे आर मच मोर पावरफुल देन हिम।
Now at number 5 comes Iguru. Now Snake Hashira uses Snake Breathing. Now Snake Breathing हमने ज़्यादा कुछ अभी देखा नहीं है, इनकी एक ही फाइट देखी है डायरेक्ट मुजान से, तो इनकी फीट्स हमारे पास ज़्यादा कुछ है नहीं, सिर्फ एक फाइट के बेसिस पे इनमें जज करना पड़ेगा. बट कंसिडरिंग उनकी जो इकलौती फाइट है वो भी उन्होंने मुजान से करी है, तो आई थिंक वो गियू और बाकी जो नीचे उनसे ऊपर ही आएंगे, क्योंकि मुजान इज फार मोर स्ट्रॉन्गर देन आकाजा, ग्यूतारो एंड द लोअर लेवल डीमंस दैट अदर हाशिरास फॉट दैट आर बिलो इन दिस लिस्ट. और हम देख पाए थे कि मुजान की फाइट में भी इगुरु काफी अच्छा सपोर्ट और होल्ड प्रोवाइड कर रहे थे. तो इगुरु के मेरे पास इससे ज्यादा फीट्स हैं नहीं, तो इसलिए मैंने इनको इस पे रखा है, क्योंकि कंसीडरिंग कि बाकी सबके फीट्स ज्यादा हैं बट इगुरु डायरेक्ट मुजान से लड़े हैं, तो हमें वो भी माइंड में रख के चलना पड़ेगा. तो नंबर 4 की पोजीशन पे तो मेरे को नहीं लगता कि आप में से किसी को भी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि मुइचिरो इज वेरी स्ट्रॉन्ग भाई, ही इज अ प्रोडिजी. लाइक उनकी फीट्स हम देख पाए थे, उन्होंने अपर डीमन 5 को अकेले मारा था विदाउट एनी असिस्टेंस, जैसा कि बाकी सारे डीमन स्लेयर्स को लगी, उन्होंने अकेले फिनिश करा अपर मून 5 को. नाउ कोकुशिबो की फाइट में भी वो बहुत अच्छा होल्ड दिखा रहे थे, और उसके बाद फिर वो मुजान से जाके भी लड़ते हैं, और वहां भी वो ऑलरेडी कोकुशिबो से फाइट करने के बाद भी बाकी हाशिरास से बेटर परफॉर्म कर रहे थे मुजान के खिलाफ. और इस सब को देखते हुए एक चीज और भी ऐड करना चाहूंगा कि ही इज स्टिल 14 ईयर्स ओल्ड, क्या पता उनकी पोटेंशियल कितनी होती है आगे जाके. तो इस चीज को दिमाग में रखते हुए मैंने उनको 4th स्पॉट दिया है. नाउ थर्ड स्पॉट पे है मेरे फेवरेट हाशिरा, रेंगोकू क्योजिरो द फ्लेम हाशिरा. नाउ इसको मैंने इतना ऊपर इसलिए रखा है क्योंकि पहली बात तो मैं रीजंस दूंगा, दूसरा मेरा थोड़ा पर्सनल बायस भी है. आई रियली लाइक दिस कैरेक्टर, आई एम इन लव विद हिम सिंस आई सॉ द मुगेन ट्रेन मूवी. भाई 2 घंटे की मूवी में तुमको एक कैरेक्टर इंट्रोड्यूस करा दिया जाता है, उसकी पावर्स दिखाई जाती हैं, उसको सब कुछ बैक स्टोरी दिया जाता है, और सिर्फ 2 घंटे में तुम्हें इतना कनेक्ट करा देता है कि तुम आज तक भी उस कैरेक्टर को भूल नहीं पा रहे हो. तो भाई रेंगोकू में कुछ तो बात है. और बात करें इनकी पावर की, तो ये यूज करते हैं फ्लेम ब्रीथिंग विच इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल ब्रीथिंग इन डीमन स्लेयर्स वर्ल्ड. हमें कहा जाता है कि ऑब्वियसली सन ब्रीथिंग सही साइड ड्राइव हुई है, बट फ्लेम ब्रीथिंग इज क्लोजेस्ट टू द सन ब्रीथिंग. अब बात करें रेंगोकू की फीट्स की, तो हमने देखा है कि रेंगोकू की फाइट हुई थी आकाजा से, ऑल्दो सब जानते हैं कि आकाजा उस टाइम पे बहुत ज्यादा सीरियस नहीं था, ही जस्ट वांटेड टू रिक्रूट रेंगोकू एज अ डीमन, बट आकाजा नहीं चाहता था कि वो मार दे, तो इसलिए वो होल्ड बैक करके बहुत ज्यादा फाइट कर रहा था रेंगोकू से. बट एट द सेम टाइम आपको ये भी देखना पड़ेगा कि रेंगोकू का मकसद उस टाइम आकाजा को हराना था ही नहीं, ही जस्ट वॉन्टेड टू प्रोटेक्ट ऑल द पैसेंजर्स ऑन द ट्रेन. उसके भी ऊपर से हमको देखने को मिलता है कि आकाशा ने रेंगोकू को ग्यू से बहुत ज्यादा प्रेज करा होता है, इवन तो ग्यू मार्क के साथ लड़ रहा होता है और रेंगोकू विदाउट मार्क, फिर भी आकाजा रेंगोकू को ज्यादा प्रेज करता है. दैट मींस आकाजा को रेंगोकू के नॉर्मल फॉर्म में ग्यू के मार्क्ड फॉर्म से ज्यादा पोटेंशियल दिखती थी. तो अब हम अगर इन सब फीट्स को मिला दे तो हम कह सकते हैं कि रेंगोकू डिजर्व्स द थर्ड प्लेस. Now we are moving on to the 2 strongest Hashiras of the Demon Slayer Corps. Number 2 is Sanami, the Wind Hashira. Bhai, he is just a beast. ये इंसान नॉट इवन किडिंग बचपन से शैतान है भाई, ये आदमी जानवर है भाई. इन्होंने भाई अपने सिबलिंग्स को सबको तो प्रोटेक्ट नहीं कर, पर गैन्या को अपनी माँ से प्रोटेक्ट करा भाई, जो कि डीमन बन गई थी, और उनको पूरी रात भाई मारा. उसके बाद भी इस कैरेक्टर के अंदर डीमन्स के लिए इतनी ज्यादा हेटेड है कि भाई कोई बाउंड्रीज नहीं जानता है डीमन से लड़ते टाइम, ही विल गो टू एनी एक्सटेंट जस्ट टू किल दैट डीमन. और ये हम देख भी पाते हैं कोकुशिबो वाली फाइट में, सानामी युमे के साथ मिलके कोकुशिबो को बहुत ही कड़ी टक्कर देता है भाई. ही स्टैंड्स देयर हैंड, ही जस्ट डिमोलिशेस कोकुशिबो समटाइम्स. ऑब्वियसली कोकुशिबो इज मच स्ट्रॉन्गर, बट कंसीडरिंग कोकुशिबोज लेवल, सानामी उन्हें बहुत क्रेजी टक्कर देता है. और भाई और उसके भी ऊपर से इवन आफ्टर फाइटिंग कोकुशिबो, वो मुजान वाली फाइट में सबसे आगे लड़ रहा होता है. ग्योमे एंड सानामी दो ऐसे हाशिराज हैं जो हर फाइट में सबसे ज्यादा इंपैक्ट क्रिएट कर रहे होते हैं और सबसे ज्यादा फ्रंट फुट पे लड़ रहे होते हैं. तो भाई इतना सब कुछ करने के लिए तुम्हें बहुत ज्यादा अमाउंट की स्ट्रेंथ और स्किल्स लगेंगी. नाउ कमिंग ऑन टू द टॉप ऑफ द लिस्ट, जो हम सबको पता था शुरू से कि यही होने वाला है, ग्योमे हिमेजिमा द स्टोन पिलर. भाई तुमको लग रहा था ना मैंने सानामी को बीस्ट बोला था, तो ये आदमी बीस्ट किलर है भाई. जब ये छोटे थे और अपने ऑर्फनेज में अपने बच्चों के साथ रहते थे, तो इन्होंने एक डीमन को पूरी रात पीटा, पूरी रात अपने मुक्कों से पीटा जब तक सुबह नहीं होगी, सिर्फ एक बच्ची को प्रोटेक्ट करने के लिए, वो भी अपने बेयर हैंड से.
बेयर हैंड से इन्होंने उस डीमन को तब तक कूटा जब तक सुबह होके वो डिसइंटीग्रेट नहीं हो गया। और ये इस्तेमाल करते हैं स्टोन ब्रीथिंग, और जो कि माना जाता है कि स्टोन ब्रीथिंग इज द सेकंड मोस्ट पावरफुल टू सन ब्रीथिंग। हाँ, मैंने बोला था कि फ्लेम ब्रीथिंग इज मोस्ट सिमिलर टू सन ब्रीथिंग, बट स्टोन ब्रीथिंग इज सेकंड टू सन ब्रीथिंग इन ओवरऑल पावर एंड स्ट्रेंथ वाइज, क्योंकि इस ब्रीथिंग को करने के लिए इंसान के पास बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ फिजिकल स्ट्रेंथ होनी चाहिए, जो कि डीमन स्लेयर कॉस में सबसे ज्यादा हिमेजिमा के पास है। हम उसको इतना बड़ा बोल्डर हिलाते हुए देख सकते हैं, उसके ऊपर आग पे खड़े होकर ट्रेनिंग करते हुए भी देखा है हमने उन्हें, और उसके भी छोड़ दे तो जब पहली बार मुजान की एंट्री थी उस मोमेंट पे हिमेजिमा ही प्रेजेंट थे, और उन्होंने मुजान को बिहेड भी कर दिया था विद अ सिंगल शॉट। वो तो मुजान की पावर ऐसी है कि वो सर कटने से मर नहीं सकता, बट यू मैंने विद अ सिंगल शॉट मुजान का हेड अलग कर दिया था। मुजान का भाई, इट्स नॉट अ स्मॉल फीट। उसके व्यू पर से जब हम उनकी फाइट देखते हैं तो भाई ही इज कंपेरेबल टू नो वन, ही इज जस्ट सो पावरफुल। भाई वो सबसे ज्यादा फ्रंट फुट पे रहते हैं और सबसे ज्यादा दिक्कत देते हैं सारे डीमंस को, बीट कुकुशिबो और बीट मुजान, तब उनकी पावर से भाई डरते हैं और उन्हीं की वजह से पूरी की पूरी फाइट टिक पा रही थी। वेल, ये थी मेरी रैंकिंग सारे हाशिरास की पावर स्ट्रेंथ एंड सब कुछ मिला मिलू के। अगर आप इसके साथ एग्री करते हो तो नीचे कमेंट कर देना, और नहीं करते तो अपनी लिस्ट मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। मैं जानना चाहता हूँ सबके डिफरेंट ओपिनियंस, आई रेस्पेक्ट यू ऑल। सो सब अपनी अपनी लिस्ट बताइएगा, और जिसको मेरी पसंद हो वो प्लस वन तो नहीं, लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन पीस आउट।